नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजी के टॉप 10 के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज के मौजूदा समय में जिस तरह का खान पान हो गया है और अधिकतर लोगों द्वारा जो बुरे पदार्थों का सेवन किया जाता है, उस वजह से पहले के समय के मुकाबले आज के मौजूदा समय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40% तक गिर गई है दुनिया के कई देशों की। यानी जो लोग पहले 90 वर्ष तक जीते थे, वो मौजूदा समय में मात्र 54 वर्ष तक ही जी पाते हैं। और ऐसा हम नहीं, कई रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि पहले के मुकाबले आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा लो हो चुकी है। लेकिन आज भी दुनिया में 10 ऐसे देश हैं जहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा पहले जैसी ही है, या आप कह सकते हैं कि उन देशों ने पहले के मुकाबले अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत सुधारा है। यानी उन देशों के सभी लोग 90 से ज्यादा वर्षों तक जीवित रहते हैं, जिसको सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो रहा हो, पर ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह विश्वास हो जाएगा कि ये बात कितनी सच है और वो लोग क्या करते हैं जिसके कारण उन देशों के लोग इतना लंबा समय तक जी पाते हैं। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से 10 देश हैं और वो ऐसा क्या करते हैं जो 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखते हुए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक मनुष्य को आपके हिसाब से ज्यादा कितने साल तक जीना चाहिए। आपके अनुसार क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे बेहतरीन होती है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, इसराइल। ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अनुसार इसराइल आने वाले समय में यानी 2040 तक इसराइल के लोगों को ग्रह पर सबसे लंबे समय तक रहने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ के लोगों की इतनी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह आहार है, यानी उनका फूड सिस्टम है। इसराइल के लोग आमतौर पर भूमध्य आहार का पालन करते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, जैतून का तेल या मछली का ज्यादा सेवन करते हैं। जबकि आपको बता दें कि इसराइल में डॉक्टरों और नर्सों की बहुत ज्यादा कमी है, फिर भी यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा 83.49 वर्ष है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की तुलना की जाए तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में 3 साल ज्यादा तक जिंदगी जीती है। मतलब महिलाओं की एवरेज एज 84.91 वर्ष है, जबकि पुरुषों की 81.98 वर्ष ही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसराइल में। उसी तरह नंबर 9 पर आता है साउथ कोरिया। वैसे तो साउथ कोरिया देश जितना छोटा है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली भी है। यहाँ के लोगों की सबसे खास बात ये है कि यहाँ के लोग काम करने के लिए जीते हैं, ना कि जीने के लिए काम करते हैं। वैसे यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले तो बहुत ही कम थी, क्योंकि 2010 में साउथ कोरिया के 1 लाख लोगों में से 72 लोग आत्महत्या कर लेते थे, जिसकी वजह से वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। पर 2020 में साउथ कोरिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा हो गई। मतलब यहाँ के लोग 83.50 वर्ष तक औसतन जीते हैं, लेकिन साउथ कोरिया की महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुरुषों से ज्यादा है। यानी पुरुष की लाइफ 80.46 वर्ष है, वहीं महिलाएं साउथ कोरिया में 6 साल ज्यादा जीती है। यानी साउथ कोरिया की महिलाओं की एवरेज एज है 86.42 वर्ष। इतना ही नहीं, साउथ कोरियन महिलाओं को लंबे उम्र तक खूबसूरत और जवान दिखने के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। नंबर 8, आइसलैंड। 3,71,000 लोगों की बहुत कम आबादी वाला ये देश दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है। मतलब पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग यानी 200 ज्वालामुखी सिर्फ आइसलैंड में मौजूद है। लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि आइसलैंड के लोगों की औसतन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83.52 वर्ष है, और इस देश में भी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ही जीती हैं। मतलब अगर पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83.15 वर्ष है तो महिलाओं की उनसे 2 साल ज्यादा है, यानी 84.90 वर्ष। वैसे वहाँ के लोगों का कहना है कि जेनेटिक फैक्टर और प्रदूषण का लो लेवल होने की वजह से यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाकी देशों से ज्यादा है। उसी तरह इस सूची में नंबर 7 पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जिसे एक महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। इस देश की जीवन प्रत्याशा दुनिया में 7वें नंबर पर आती है, तभी तो यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83.94 साल तक है। और पिछले देश के जैसे ही इस देश में भी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ही ज्यादा उम्र तक जीती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देश में भी पुरुषों की एवरेज एज 82.8 साल है, वहीं महिलाएं पुरुषों से 3 साल ज्यादा यानी 85.80 साल तक जीती है। वैसे इस देश में इतनी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होने का कारण ये बताया जाता है कि यहाँ के लोग अधिक धनवान होते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के लोग ज्यादा दिन तक जीते हैं। वैसे इस देश में धूम्रपान कम होने के कारण भी यहाँ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग और मेडिकल केयर भी अच्छी तरीके से होती है। नंबर 6, स्पेन।
वैसे तो स्पेन अपनी संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन और आश्चर्यजनक दृश्यों के लिए तो दुनिया भर में फेमस है ही, साथ ही सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी दुनिया के छठे नंबर पर आता है। इतनी लंबी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह स्पेन में ये बताई जाती है कि यहाँ पर भूमध्य सागर के डाइट सबसे ज्यादा होते हैं, जिसमें हार्ट को हेल्दी रखने वाले ऑलिव ऑयल, सब्जियां और वाइन का सेवन किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों में वर्किंग कल्चर भी इनके हिसाब से मनाया जाता है, जैसे कि दोपहर का आराम, मतलब स्पेन में आधे घंटे के लंच ब्रेक की बजाय 2 से 3 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है। तभी तो यहाँ के लोग 83.99 साल तक जीते हैं, जिसमें महिलाएं 86.68 साल तक जीती है और पुरुष महिलाओं से 3 साल कम, यानी पुरुषों की एवरेज एज 81.27 साल है स्पेन में। उसी तरह इस सूची में अगला देश जो है वो है सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसने पिछले 3 दशकों में अपनी लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है। तभी तो सिंगापुर के लोगों की एवरेज एज 84.7 साल हो गई है, क्योंकि सिंगापुर में क्रॉनिक जैसी बीमारियां जल्द पहचाने और रोकथाम हो जाने के कारण यहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा हो गई है। हालांकि पिछले हर देशों के अकॉर्डिंग इस देश में भी महिलाएं ही पुरुषों से ज्यादा जीती हैं, मतलब आंकड़ों अनुसार सिंगापुर में पुरुष 82.6 साल तक जीते हैं, जबकि महिलाएं 4 साल ज्यादा यानी 86.15 साल तक जीती है, जिससे ये पता लगता है कि ये देश अब अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को काफी ज्यादा बढ़ा चुका है। साथ ही सिंगापुर के लोग मौजूदा समय में अपने स्वास्थ्य पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। वैसे सिंगापुर की तरह ही अगला देश है स्विट्जरलैंड। ये बात तो हम सब जानते हैं कि स्विट्जरलैंड पहाड़ों का देश माना जाता है। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड को दुनिया भर में मशीनों का घर भी माना जाता है, और कई लोगों का ये मानना होता है कि जहाँ मशीन होते हैं वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम होती है। पर स्विट्जरलैंड जैसे देश ने इस बात को पूरी तरह गलत साबित कर दिया, क्योंकि अगर हम इस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो यहाँ के लोगों की एवरेज एज 84.25 साल तक है, और हर देश की तरह इस देश में भी पुरुषों के मुकाबले 4 साल ज्यादा महिला जीती है, क्योंकि पुरुषों की एवरेज एज 82.42 ही है, जबकि महिलाओं की एवरेज एज 86.2 है। वैसे स्विट्जरलैंड के सभी लोग अपनी भरपूर जिंदगी जीते हैं, साथ ही इस देश में प्रदूषण नहीं होने की वजह से बीमारियां भी बहुत कम होती है। इस देश के लोग बड़ी तादाद में चीज और डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करते हैं। साथ ही ये करियर ओरिएंटेड देश है, जहां काम और जीवन का बेहतरीन बैलेंस देखने को मिलता है। खैर, इसी तरह चलते हैं अगले देश की तरफ। नंबर 3, मकाओ। मकाओ दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मकाओ की सरकार अपने लोगों की हेल्थ स्कीम पर बहुत ध्यान देती है। क्योंकि मकाओ 32.9 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ 680,000 लोगों की घनी आबादी वाले देशों में आता है, जहाँ के लोगों की औसतन आयु 85.3 साल तक है। और इस देश में भी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं जीती है, क्योंकि पुरुष की औसतन आयु 81.93 साल तक की है, जबकि महिलाओं की औसतन आयु 87.65 साल है। मकाओ में इतने लंबे समय तक जीने का सबसे बड़ा कारण इस देश में बताया जाता है कि मकाओ के लोग वनस्पति पे आधारित डाइट के अलावा सी फूड का सेवन करते हैं, जिसके कारण उनकी प्रॉपर डाइट हो पाती है और शरीर का संतुलन बना रहता है। और मकाओ के लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि यहाँ के सी फूड सबसे अच्छे होते हैं। हालांकि इस सूची में दूसरा देश है जापान, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से, जहां के लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं। आपको बता दें कि जापान के 72% लोग सही अनाज का ज्यादा सेवन करते हैं। इसके साथ ही फूड आइटम में चीनी का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, और शायद यही वजह है कि यहां के लोग ज्यादा दिन तक जीते हैं। वैसे आबादी के मामले में तो जापान दुनिया में 11वें नंबर पर आता है, इसके बावजूद यहां के लोगों की औसतन आयु 85 साल 3 महीने तक होती है। वहीं अगर जापान के पुरुष और महिला के एवरेज एज की बात करें तो पुरुष की औसतन आयु 81 साल 91 दिन है, और महिला की एवरेज आयु 88 साल 9 महीने है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड के अनुसार जापान के आधे से ज्यादा लोग 75 साल तक पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं। नंबर 1, हांगकांग। वैसे तो हांगकांग को दुनिया में कोई देश नहीं मानता, क्योंकि हांगकांग को चाइना अपना एक प्रांत मानता है, लेकिन कई जगहों पे इसे एक देश भी बोला जाता है, क्योंकि दुनिया में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है हांगकांग। इतना ही नहीं, 7.5 मिलियन की आबादी वाला यह देश दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों के साथ साथ सबसे विकसित देश भी है। वैसे इस देश के लोगों की हेल्थ इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि यहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी
86.29% है, जिसमें पुरुष 82.38 साल तक जीते हैं। वहीं महिलाओं की उम्र 88.17 साल तक जाती है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग अपने हेल्थ पर खुद ही इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि शायद ही आपको हांगकांग में कोई ऐसा लोग मिलेगा जो कि सुबह की एक्सरसाइज ना करता हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। तब तक ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने हेल्थ का ध्यान रख सके जैसे कि बाकी देश रखते हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल AGK Top 10 की और वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।